शब्दों में से एक बूंद के और टापक दे सको, उस सरदार ने बात का सी के हित लोच सो सुख धाम राम सुना, ऐसे राम है मेरे प्रभु, उसके नाम की एक बिंदु मिल जाए जीवन बदल जाएगा प्यारे, जीवन बदल जाएगा यानी जीवन में आराम विराम आ जाएगा, जीवन ही समझ जाता है भैया। लोगों ने पूछ लिया आपने रूप बहुत अच्छा बताया, रंग भगवान का बहुत अच्छा बताया, दत्त भगवान का बहुत अच्छा बताया, जरा इतना और बता दो मेरी गोविंद कुछ करते धरते हैं कि नहीं, भगवान कुछ करते धरते हैं या नहीं, कुछ काम वाम जानते हैं या नहीं। तो वे दिव्या जी महाराज कहते हैं इस संसार में तीन ही तो काम है भैया, और यानी ये तीनों काम भगवान ने अपने हाथ में रखे, विश्व को बनाना भगवान का काम है, पालन करना भगवान का काम है, और अंत में लय कर देना मेरे गोविंद का नाम है प्यारे, मेरे गोविंद का नाम है। विशोर प्रत्याग हेतु, अरे हम तो छोटी मोटी मशीन है, हम तो अपने आप को वैसे कहते करता 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 करता, मैं ये करता हूं मैं वो करता हूं, सच बताऊं तो प्यारे हम कुछ नहीं करने वाले हैं प्यारे, कुछ नहीं करने वाले, वही कराता है वही करता है, ए बंदे तू इतना क्यों इतराता है, वही करता है वही कराता है, ए बंदे तू इतना क्यों इतराता है, एक सांस भी नहीं तेरी बस की, वही सुलाता है और वही जगाता है प्यारे, वही जगाता है, यानी हम तो पैसे बोलते हैं ये काम हम करें वो काम हम करें, सच्चाई पूछी जाए तो यानी हम कुछ नहीं कर रहे प्यारे, यानी हम उसके इशारे पर चल रहे हैं, तीनों ही काम तो उसने ले रखे। और एक और बात कह दो भैया, अगर अपने आप को करता करता कहोगे ना, जो बोलेगा करता करता उसी का बनेगा बढ़ता, उसी का बनेगा बढ़ता, क्योंकि ज्यादा करता करता कहोगे तो बदनाम ही तो वही होता है, देखो देखो उसने कैसी व्यवस्था करी, ये नहीं किया वो नहीं किया, हमेशा कमी नजर आएगी क्या, हमेशा कमियां नजर आएगी क्या, इसलिए अपने आप को कभी करता मत बोलो, एक ही बात कहा करो प्यारे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री हमारे सब काम कर रहे, हम काम कर रहे हैं।
ये हर काम करने कराने वाले मेरे प्रभु राम है, करे मेरे प्रभु राम। लोगों ने कहा, गुरुदेव आपने भगवान का रंग बताया, आपने भगवान का ढंग बताया, आपने भगवान का कर्म बताया, जरा इतना और बता दो कि मेरे गोविंद का स्वभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है भगवान। क्योंकि यानी जो जितना बड़ा व्यक्ति होता है अक्सर उसका स्वभाव अच्छा नहीं होता, अक्सर उसका स्वभाव खराब होता है। जरा उसका स्वभाव और बता दो। तो वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, अरे लोगों भगवान का स्वभाव तो और भी बढ़िया है। अच्छा, कैसा स्वभाव है भगवान का जरा बताना। तापत्रे बिना साय, यानी तीनों प्रकार के तापों का जो प्रश्न करते, चाहे आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, कोई भी ताप उसके नाम के सामने रुक तो नहीं पाता प्यारे, रुक तो नहीं पाता प्यारे। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो ना व्यापार, यानी मेरे प्रभु राम के नाम के सामने कोई भी ताप रुक नहीं पाता प्यारे। और स्वभाव कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, एक बार जाकर भगवान से कह दे कन्हैया हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, यानी उसी क्षण हमारे सारे गुनाहों को बुलाकर, हमारे सारे पापों को बुलाकर मेरे गोविंद गले से लगा लेते हैं, प्यारे गले से लगा लेते हैं। यानी अगर हमारे पापों को देखने लग जाए ना भगवान, अगर हमारे गुनाहों को देखने लग जाए तो एक भी पुण्य ऐसा नहीं मिलेगा जो भगवान के नजदीक को छोड़ो भगवान की भूमि तक नहीं जा सकते, यानी भूमि तक नहीं जा सकते। यानी वृंदावन जाना तो बहुत दूर की बात है, वृंदावन की भूमि को भी छू नहीं सकते, यानी छू नहीं सकते। क्योंकि यानी हमसे ना जाने अनजाने में भी कई बार अपराध हो जाते हैं। और याद रखना भैया, कर्म करने में जो धन तुमने कमाया है, यानी कर्म करने में जो धन तुमने कमाया है, हो सकता है उस धन को तुम यूज ना कर पाओ, हो सकता है उस धन को तुम यूज ना कर सको, लेकिन एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, करे उस धन को कमाने में जो कर्म तुमने किया है वो तुम्हें को भुगतना पड़ेगा प्यारे, तुम्हें को भुगतना पड़ेगा, यानी कोई दूसरा भुगतने नहीं आएगा प्यारे, कोई दूसरा भुगतने नहीं आएगा भैया, वो तुम्हें को भुगतना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव कहा करते थे ना, करनी करके क्यों डरे, क्यों पाचे पछता, करनी करके क्यों डरे, क्यों पाचे पछता, एक बार भी हमारे अवगुणों को नहीं देखते प्यारे, एक बार भी नहीं देखते प्यारे। मेरे गोपाल तो कहते हैं, अगर कोई भी आकर एक बार मेरे सामने आकर कह देता है मैं तुम्हारा हूं, तो प्यारे मैं उसी प्रकार से उसे गले लगा लेता हूं जैसे सुबह का भूला
अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, प्यारे भूला नहीं कहते, उठाकर अपने गले से लगा लेता हूँ, प्यारे गले से लगा लेता हूँ। स्वभाव तो इतना सुंदर है, अर्जुन जानता है भगवान है मेरे गोविंद भगवान है। बल्कि प्यारे जब रण भूमि से आते हैं ना तो मेरे गोपाल कह देते हैं, अर्जुन बोल देता है, कन्हैया जरा घोड़े थक गए हैं, जरा घोड़ों की मालिश कर देना, मालिश कर देना। और प्यारे मेरे गोविंद घोड़े की मालिश करने लग जाते हैं, घोड़ों की मालिश कर देते हैं प्यारे, इतनी बड़ी करुणा की साधन है प्यारे, करुणा की साधन। लोग कहते हैं गुरुदेव आपने स्वभाव बताया, आपने भगवान का कर्म बताया, आपने भगवान का स्वभाव भी बता दिया, तो लोग कहते हैं गुरुदेव एक बार ऐसे भगवान का नाम भी बता दो, नाम भी बता दो। क्या नाम है उस भगवान का? तो वेद व्यास जी महाराज हाथ जोड़कर कहते हैं श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः। संसार बंधन करता है प्यारे, पूरा संसार बंधन करता है प्यारे। जिस तरह से हम आज इस स्थान पर एकत्रित हुए हैं वैसे ही पुराणों के लिए एक और सुंदर स्थान बताया है जिसे हम प्रेम सारण क्षेत्र कहते हैं प्यारे। यहाँ 188,000 संत जन विराजमान है प्यारे, और करें वो सभी ब्राह्मण है, सदग्रस्त है प्यारे, सदग्रस्त है प्यारे। और एक एक संत की आयु एक एक लाख वर्ष की है प्यारे, एक एक लाख वर्ष की। आज उन संतों की मंडली के मध्य में एक नवी युवक संत आया प्यारे, और करें वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है भैया, ध्यान देना प्यारे। जो सोने का 88,000 संत जन विराजमान है वो सभी ब्राह्मण है प्यारे, सभी ब्राह्मण है। एक एक संत की आयु एक एक लाख वर्ष की है प्यारे। आज जब वो नव युवक संत पधारा तो प्यारे वो सोने का 88,000 संत जन जो विराजमान थे और उस नवयुवक संत को देखकर खड़ी होकर प्रणाम करने लगे प्यारे, प्रणाम करने लगे वंदन करने लगे प्यारे। वो नवयुवक संत कहता है गुरुदेव आप ये क्या करते हो, आप आयु में बहुत बड़े हो, बहुत बड़े हो। तो संत कहते हैं गुरुदेव धनी वृद्धा सबसे बड़ा तो वही होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है प्यारे, जो ज्ञान में बड़ा होता है। और प्यारे उन्हीं नवयुवक संत का नाम है सूत जी महाराज, सूत जी महाराज। और सभी सौम्य का 88,000 संत जन कहते हैं गुरुदेव कन्हैया आप देखने में छोटे लगते हो लेकिन गुरुदेव आपके पेट के अंदर डेढ़ हाथ की डाली है, जो हमारे हृदय के अंदर अंधकार बैठा है उसे दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्यों के समान है गुरुदेव, समान है। और गुरुदेव आपसे एक ही प्रश्न करना चाहते हैं कृष्ण प्राप्ति मुखिन का साधन, गुरुदेव ऐसा हमें कौन सा साधन करना चाहिए जिससे हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए, गोविंद की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हमें कौन सा साधन करना चाहिए जिससे हमें गोविंद मिल जाए, गोविंद मिल जाए।
यानी याद रखना भैया, अगर संत भगवान ले जाए ना तुझसे संसार के कुछ मत करो प्यारे, कभी मत पूछो बहू के बेटा होगा यानी, कभी मत पूछो हमारी फैक्ट्री चलेगी यानी, संतों से जाकर तो बस एक ही प्रश्न करो, गोविंद मिलेगा कि नहीं, मिलेगा कि नहीं, और मिलेगा तो कैसे मिलेगा जी, कैसे मिलेगा जी बताओ ना, क्योंकि प्यारे कहा जाता है अन्य का कण और संत का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए प्यारे, कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए प्यारे। अगर संत भगवान आ जाए बड़ी भाग जब जानियो संत पधारे नहीं।
कोई भरोसा नहीं है। हमारे जीवन में क्या है,